नोएडा की एक कंपनी ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर और ऑफिस को सैनिटाइज करने वाली एक अनोखी मशीन बनाई है, जिसमें स्टीम बूस्टर नाम दिया गया है। इस स्टीम बूस्टर की खास बात यह है कि इसके इस्तेमाल में पानी की बचत होती है। इस स्टीम बूस्टर की बारीकियों को जाना हमारे संवाददाता शिव त्यागी ने। कोरोना महामारी के दौरान तमाम सैनिटाइज और नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कितने कारगर हैं और यहाँ पे जानेंगे कि जो स्टीम बूस्टर इनका प्रोडक्ट है वो कितना कारगर साबित है। इस तरीके से ये स्टीम बूस्टर जो आपका प्रोडक्ट है ये काम करता है, थोड़ा सा इसे एक बार चेक करके स्टार्ट करके दिखाइए और किस तरीके से चलता है। ये पोर्टेबल मशीन है, आप इसको इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, मशीन को ये जो वर्क करता है बेसिकली 150 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो उस टेम्परेचर पर हम जब काम करते हैं तो हम किसी भी वायरस को ईजिली किल और इनफेक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और डीजल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। पोर्टेबल मशीन है, हम इसको मॉल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पर भी हम इसको इजीली लेकर के कैरी कर सकते हैं वहाँ पे इफेक्टिवली काम करने के लिए। इसकी मैं आपको अगर ऑपरेट करने के लिए बहुत सिंपल इसका प्रोसीजर है, ये हमारा इसका ऑन ऑफ स्विच है। आप इसको ऑन करेंगे तो मशीन का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, बॉयलर ने वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। इस मशीन के अंदर में सब कुछ इनबिल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डीजल टैंक है मशीन में यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा केमिकल टैंक हो गया, ये वाटर टैंक हमारा हो गया, सब कुछ इस मशीन के अंदर इनबिल्ट है। आप अभी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए वाटर फ्लो होगा, फिर इसमें टेम्परेचर जनरेट होने के बाद में हमारा स्टीम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लगातार मार्केट में सैनिटाइजेशन की जो कंपनियाँ हैं वो सामने आ रही हैं, तमाम जो नए नए प्रोडक्ट हैं, ऐसे में ये स्टीम बूस्टर कितना कारगर साबित है? देखिए, स्टीम बूस्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि एक तो इस पर टेम्परेचर होता है, बाकी हम कोई भी अगर स्टीम से तो हम अगर जनरल कहीं पे भी काम करते हैं तो टेम्परेचर के साथ काम करेंगे हम, तो वो जल्दी वायरस को किल करेगा, इसलिए स्टीम मशीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इसके अंदर। आपका ये स्टीम बूस्टर अगर गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में किस तरीके का कारगर साबित है, कितना फ़ायदेमंद है? जैसे कि हम देखते हैं कि आज की डेट में पानी को लेकर, जैसे कि इंजन कंपार्टमेंट की हम बात करें, बहुत ही डर्टी हो जाता है, और हाइब्रिड कार्स होती हैं जहाँ सेंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, तो उस एरिया को आपको क्लीन करने के लिए एक हाई प्रेशर को ना यूज़ करके अगर आप स्टीम यूज़ करते हैं तो एक पूरा परफेक्टली क्लीन होता है और सेंसर्स को भी कोई भी नुकसान हुए बिना वो प्रॉपर क्लीन हो जाता है। आदमी सबसे ज़्यादा जो समय देता है वो ऑफिस में, घर में या गाड़ी में देता है, और ऐसे में तीनों ही जगह पे ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और कहीं ना कहीं लगातार कोरोना के जो बढ़ते मरीज हैं उसमें इस तरीके के प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए आदमी को इस तरीके के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन कमल सिंह बिष्ट के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा।